नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के। दरअसल पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है, वहीं डीजल 95 रुपये 97 पैसे को छू चुका है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और पटना में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुकी है। 28 सितंबर से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 19 बार इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल 5 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं डीजल के दामों में 22 बार इजाफा देखने को मिला है। इस दौरान डीजल 7 रुपये महंगा हो गया है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तेल की आपूर्ति और मांग के मुद्दे पर सरकार कई तेल निर्यातक देशों के साथ बातचीत भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल राहत मिल जाएगी ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। दरअसल 4 मई से 17 जुलाई के बीच पेट्रोल 11 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल 9 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उनमें आग लगी हुई है और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी पर इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, लोग किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं? कैसे लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खाने के पदार्थ हैं उन पर भी कहीं ना कहीं दाम बढ़ते आ रहे हैं। अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जी पर भी लगातार जो दाम है वो बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थाली से जो सब्जी है वो कहीं ना कहीं गायब नजर आ रही है। इसी मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और हम लोगों से बात करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से जो तेल के दाम है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और जो तेल के दाम को लेकर जो लोगों के साथ जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं जो महंगाई का आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लोगों का अभी कहीं ना कहीं लोग आप देख भी रहे हैं कि जो जिस तरीके से जो लोग हैं पेट्रोल पंप पर लगातार पहुंच रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? कहना क्या है, बहुत ही सिंपल है। हमारे बजट से लेके और बाकी सारी चीज में काफी फर्क पड़ रहे हैं। तो घर का बजट चलाना तो बहुत टफ वाली काम हो गई। कहां पहले 250 रुपये में पूरा टंकी भर जाते थे, अब कुछ दिन पे दिन ये बढ़ता जा रहा है। बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ही हराश हूँ इस गवर्नमेंट से। आज भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और लगातार खाने पीने की सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे महंगाई को? जाहिर सी बात है, जब फ्यूल का रेट बढ़ेंगे तो खाने पीने का भी रेट बढ़ेंगे, तो उससे तो काफी हम लोग के बजट में और साथ साथ में इकोनॉमिक्स में सब चीज में फर्क पड़ रहे हैं। इसमें डीजल पेट्रोल के दाम लगातार, भाई मैं तो खुद ही डलवा रहा हूँ 20-20 रुपए का, 50-50 रुपए का, अब कोई फायदा नहीं है, इससे क्या फायदा होगा? जो घर का बजट है उस पर कितना गड़बड़ा रहा है? घर का बजट जो है कितना बिगड़ गया? बहुत ज्यादा बिगड़ गया। तो घर चलाना कितना मुश्किल? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे समझिए, आपने लोगों को सुना कि लोगों का भी बिल्कुल यही कहना है कि जो घर का बजट है वो कहीं ना कहीं लोगों का बिगड़ता नजर आ रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर लगातार बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों पर जो महंगाई की मार है वो कहीं ना कहीं पड़ती नजर आ रही है। जी, तो कहीं ना कहीं लोगों पर महंगाई की मार पड़ती भी नजर आ रही है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन भी, जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है और जिसका सीधा असर सब्जियों के दामों पर पड़ता है। आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सब्जी मंडी का दौरा भी आपने किया था, वहां पर भी आपने लोगों से सवाल जवाब किया था। जो लोग
खासतौर पर किसान सामान लेकर के पहुंचते हैं, उनसे भी आपने बात की थी, तो उन लोगों को किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही? बिल्कुल बिल्कुल सोहन जी, मैं बता देता हूँ, जब हम सब्जी मंडी में पहुंचे तो हमने जब सब्जी जो विक्रेता है, जो आड़ती है, बड़े लेवल के जो आड़ती होते हैं, हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना कि जिस तरीके से टमाटर प्याज के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि टमाटर प्याज के बिना कोई भी सब्जी सूनी होती है, इनको जो सब्जियों का पूरा राजा माना जाता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से टमाटर और प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधी बात है कि जो जनता है, जनता की थाली से सब्जी कहीं ना कहीं दूर नजर आ रही है। अगर त्योहारों की बात करें, त्योहार आ रहे हैं तो त्योहारों को लेकर कहीं ना कहीं जो जनता है, जो बाजारों में जो भीड़ कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जब हमने भीड़ का जायजा लिया, हमने भीड़ से जानने की कोशिश की, तो जनता का यही कहना कि कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है, कहीं ना कहीं वो लोगों पर पड़ रही है, और डीजल पेट्रोल के दामों में जिस तरीके से उछाल आ रहा है, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लगातार दाम बढ़ रहा है, और जो ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाली चीजें, जो सब्जियां मंडियां पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब प्याज देख सकते हैं, प्याज का जो रेट है वो 80 के आसपास हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो सब्जी है वो सब्जी भी खाना दुश्वार हो गया है, वो गरीब जनता है उसकी कहीं ना कहीं थाली से सब्जी दूर नजर आ रही है। जी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छा, चुनाव हैं, लिहाजा चुनाव में महंगाई को लेकर के भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या लग रहा है आपको? लगातार आप जो है दिल्ली NCR की मैं बात करूँ, और खासतौर पर जो UP का इलाका पड़ता है गाजियाबाद, वहां पर भी आपकी नजर बनी हुई है, वहां पर चुनाव को लेकर के महंगाई क्या बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें कि जिस तरीके से चुनाव है, असर पर है, चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर बात करें तो महंगाई का जो विपक्ष है, कहीं ना कहीं महंगाई विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रखता है, और जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं महंगाई की बात कर रहा है। वास्तव में महंगाई का जो आलम है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, और भी हमारे साथ सख्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे? बहुत महंगाई है, लाइट टूट गया, पेट्रोल के पैसे नहीं है जेब में, बहुत महंगाई बढ़ गई है। अगर क्या कहेंगे उससे, खान पान का सब्जी भी रेट जो है वो बढ़ रहा है, जो टमाटर हो गया, सरसों तेल हो गया, सबका रेट बढ़ा हुआ है, 100-100 रुपए बढ़ गया एक साल के अंदर। तो क्या कहेंगे, घर के बजट पर कितना फर्क पड़ा, घर पर चलाना, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह देना, कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा, इतना फर्क पड़ गया। बिल्कुल, यही कहना है सोहन जी की कहीं ना कहीं जो घर का बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है, और लोग आप सुन भी रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि पहले ज्यादा का तेल भरा करते थे, अब 50-100 रुपए से काम चलाना पड़ रहा है, जहाँ पहले दूर जाया करते थे, कम पास ही जा पाते हैं, और छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट ही कर पाते, ताकि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो उसकी वजह से काफी जनता पर मार पड़ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता नितिन, जो गाजियाबाद से हमें जानकारी दे रहे थे वहां पर किस तरह के हालात हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं, इसको लेकर के उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है, और ज़रूरत है कि सरकार इन दामों में कमी लाए। लेकिन अगर मौजूदा हालात देखें, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, सरकार कोशिशें कर रही है, जो बड़े तेल निर्यातक देश हैं उनके साथ में बातचीत भी कर रही है, लगातार बैठकें भी चल रही हैं। आपको याद होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेल और गैस क्षेत्र से जुड़े CEO के साथ में दुनिया भर के मुलाकात की थी, बैठक की थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी, किस तरह से दाम घटेंगे उसको लेकर के भी बातचीत हुई थी। तो सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, और सरकार की कोशिशों के बाद क्या पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि अगर मौजूदा वस्तु स्थिति पर नजर डालें तो फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ABC News के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।